हेलो एंड वेलकम टू बोल स्काई, और मैं हूं आपकी दोस्त खुशबू। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी 44 साल की उम्र में दूसरी बार मां बनी है, और सरोगेसी के जरिए शिल्पा के घर नन्ही बच्ची शमीशा शेट्टी कुंद्रा का जन्म हुआ है। शिल्पा की सरोगेसी की न्यूज के साथ ही एक बार फिर सरोगेसी चर्चा में है, क्योंकि अब केंद्र सरकार ने भी सरोगेसी रेगुलेशन बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब कोई भी महिला सरोगेट मदर बन सकेगी। केंद्रीय कैबिनेट ने सरोगेसी बिल में कई बदलाव किए हैं, जिसके बाद वैसे कपल्स जो मेडिकल कारणों से पेरेंट्स नहीं बन सकते, वे सरोगेसी के जरिए पेरेंट्स बन सकेंगे। सरोगेसी करवाने वाले कपल के करीबी रिश्तेदारों के अलावा कोई भी महिला जो इच्छुक है, वे सरोगेट मदर बन सकती है। सरोगेसी को लेकर हर तरफ इतनी बातें हो रही हैं, तो आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये सरोगेसी है क्या और कौन इसे करवा सकता है। सरोगेसी में बच्चे की माँ खुद गर्भवती न होकर किराए की कोक का इस्तेमाल करती है, यानी उसके ओवरीज से निकलने वाले एग्स और पार्टनर के स्पर्म को लेकर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF के जरिए कोई दूसरी महिला गर्भवती होती है और बच्चे को जन्म भी देती है। तो आइए जानते हैं ऐसे कारणों के बारे में जिसकी वजह से सरोगेसी करवाने की जरूरत पड़ती है। इनफर्टिलिटी या बांझपन की दिक्कत। इन दिनों हमारी भागती दौड़ती जिंदगी, गलत लाइफस्टाइल, खान पान का ध्यान न रखना, इन सभी वजहों से इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की दिक्कत तेजी से बढ़ रही है, और कपल्स नेचुरल तरीके से गर्भधारण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में बहुत से पेरेंट्स को सरोगेसी करवाने की जरूरत पड़ती है अगर महिला के शरीर में यूट्रस ना हो। ऐसे केसेस बेहद कम होते हैं और ये एक रेयर जेनेटिक दिक्कत है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि महिला माँ बनना चाहती है लेकिन उसके शरीर में यूट्रस यानी गर्भाशय ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वे चाह कर भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। 10-12 हजार महिलाओं में से किसी एक में ऐसा होता है कि उसके शरीर में यूट्रस ना हो, या फिर अगर किसी बीमारी की वजह से यूट्रस को सर्जरी करके निकाल दिया गया हो। अगर उम्र अधिक हो, पुरुषों के साथ ये एडवांटेज होता है कि वे किसी भी उम्र में पिता बन सकते हैं, लेकिन एक महिला के नेचुरल तरीके से गर्भधारण करने और प्रेग्नेंट होने की संभावनाएं उम्र के साथ घटती जाती हैं। 40 की उम्र में आते आते मेनोपॉज शुरू होने की उम्र हो जाती है, ऐसे में प्रेग्नेंट होना और भी मुश्किल हो जाता है। हालांकि फर्टिलिटी से जुड़े कई ऑप्शन इन दिनों मौजूद हैं, जिसकी मदद से महिला 40-50 साल की उम्र में भी प्रेग्नेंट हो सकती है, लेकिन इस तरह की प्रेगनेंसी में रिस्क बहुत ज्यादा होता है। पहली प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत हुई हो, अगर कोई महिला पहले प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसकी उस प्रेगनेंसी में कोई ऐसी गंभीर समस्या हो गई हो जिस वजह से माँ और बच्चे दोनों की जान पर खतरा बनाया हो, तो दूसरे बच्चे के लिए सरोगेसी का ऑप्शन चुना जा सकता है। अगर सेम सेक्स कपल हैं, तो जाहिर सी बात है कि वे नेचुरल तरीके से बच्चे को कंसीव नहीं कर पाएंगे, और अगर उन्हें पेरेंट्स बनना है तो उन्हें सरोगेसी करवाने की जरूरत पड़ सकती है। सिंगल पेरेंट्स के लिए सरोगेसी का ऑप्शन। बॉलीवुड इंडस्ट्री में करण जौहर, तुषार कपूर, एकता कपूर ऐसे कई सेलिब्रिटीज हैं जो सिंगल पेरेंट्स हैं और जिन्होंने सरोगेसी के जरिए पेरेंटहुड को अपनाया है। इसी तरह अगर कोई आम इंसान भी सिंगल है और वो पेरेंट बनना चाहता है, तो उस बच्चे के लिए सरोगेसी की जरूरत होगी। साथ ही ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार इनफर्टिलिटी की वजह से ही सरोगेसी का चुनाव किया जाए। उदाहरण के लिए, कई बार बहुत सी महिलाएं अपने करियर या बॉडी फिजिक खराब न होने की वजह से माँ नहीं बनना चाहती, लेकिन फैमिली शुरू करना चाहती हैं, तो वे अपने पर्सनल चॉइस से सरोगेसी का चुनाव कर सकती हैं। इस वीडियो में अभी फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।